हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ वाटर कलर बहुत टाइम के बाद, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप भी अपने कलर्स, पेंसिल और ये सब ले लो। तो मैंने वैसे तो डिसाइड किया है कि मैं स्ट्रीट सीन करूँगी आज, बहुत टाइम हो गया मुझे स्ट्रीट सीन किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी शीट ले ली थी, तो ये पूरा सीन था जो आपको दिखा। फिर मैंने यहाँ पे वाटर कलर पैलेट ली, उसके बाद मैंने इसको वेट करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ड्राई हो गई थी, बहुत टाइम से रखे हुए थे कलर्स इसलिए। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लू कलर बनाया स्काई के लिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो शीट पर वाटर स्प्रेड किया ब्रश से और स्प्रे का यूज़ करके। तो जल्दी से फिर यहाँ पे मैं इसमें ब्लू कलर अप्लाई करूँगी स्काई में। वैसे ही टेक्निक बहुत अच्छी होती है वेट ऑन वेट, क्योंकि इसमें ना पानी ही अपना सारा काम कर देता है, हमें बस कलर अप्लाई करना होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कलर अप्लाई कर दिया, बाकी स्काई का लुक पूरा मेरा पानी कर देगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ही पूरी शीट पे ही अप्लाई करूँगी वाटर, क्योंकि मुझे अभी बिल्डिंग्स वगैरह में भी अपना फ़र्स्ट लेयर डालनी है। वैसे यहाँ पे जो मैंने अपनी शीट का यूज़ किया है उस वो A3 साइज़ का है, तो इस बार मैंने सोचा कुछ बड़े शीट पे बनाती हूँ, हमेशा तो मैं A4 साइज़ का शीट यूज़ करती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बिल्डिंग में सबसे पहले येलो डाला, क्योंकि जो मेरी रेफरेंस पिक थी उसमें मैंने येलो था, तो मैंने इसीलिए जो कलर्स मुझे दिख रहे थे मैंने वही अप्लाई करे। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू डाली येलो की, उसके बाद मैं पूरा बैकग्राउंड में ट्रीज़, जो बैकग्राउंड में घर है और ये सब बिल्डिंग्स जो भी है, इन सब में मैं फर्स्ट लेयर डाल दूँगी एक ही साथ, और इसको ड्राई होने के लिए वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसमें सेकेंड लेयर का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से फिर डालना स्टार्ट कर दिया कलर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, ठीक है। और जल्दी से फिर मैं सारी चीज़ों में धीरे 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 लेयरिंग करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा मतलब धीरे धीरे करना होता है, क्योंकि कहीं पे हमें वेट ऑन वेट चाहिए होता है, कहीं पे हमें प्रॉपर ड्राई चाहिए होता है स्ट्रोक्स देने के लिए। इस वजह से तो यहाँ पर मैं जल्दी से बस मर्ज होने दे रही हूँ। और फिर मैंने इसमें भी जो हमारी विंडो थी यहाँ पे भी मैंने फ़र्स्ट लेयर ही डाली एक इसके अकॉर्डिंग। तो इसके मतलब फिर मैंने इसमें क्या किया कि जल्दी से ही ब्रश लेकर के इसको मर्ज कर दिया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ग्रेश टोन चाहिए था इस वजह से। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा डिटेलिंग देना स्टार्ट कर दे रही हूँ विंडो की, जिससे ये जल्दी 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 कंप्लीट होता जाए। तो फिर यहाँ पे मैंने ट्रीज़ जो थे मेरे यहाँ पे ना, मैंने पिंक टच भी दिया था फ्लावर्स का, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोटो थी तो उसके अकॉर्डिंग इसमें टच था, मतलब उसमें थे पिंक फ्लावर्स, तो मैंने यहाँ पे कहीं कहीं दिए थे, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था जो पिंक फ्लावर्स थे। तो आप भी देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने बहुत टाइम बाद ये स्ट्रीट सीन किया है, बहुत टाइम से नहीं कर रही थी मैं ऐसी कोई पेंटिंग। तो अब मैंने लास्ट ये पीछे वाली बिल्डिंग को करने जा रही हूँ, तो इसको मैंने बस ज़्यादा डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा जो फोकस है वो इस बिल्डिंग पे। और जल्दी से ही फिर ये बिल्डिंग भी हमारी पूरी पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है, और फिर मैं जल्दी से इसमें फ्लोर कर दूँगी, और फिर कुछ डिटेलिंग्स ऐड करना रह जाएगा, फिर बस वो करेंगे और इसका जो भी लैंड वगैरह है वो करना है। चलो मिलते हैं लास्ट में जल्दी से इसको कंप्लीट करके। वैसे अभी इसका फाइनल लुक रह गया है, तो वो देखे बिना आप बिल्कुल मत जाना। चलो हमारी वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, बाय। तो ये रहा इसका फाइनल लुक और क्लोज व्यू आप देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।